मंदिर समिति को आरती और भजन के खिलाफ मनोहल नियम का उल्लंघन करने के एवज में नोटिस देने वाले एसडीएम के खिलाफ हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी। वहीं अब संत समाज ने एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सस्पेंड करने की मांग की है। छतरपुर में मंदिर समिति को कोलाहल नियम का उल्लंघन करने के खिलाफ नोटिस देने का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि नोटिस की कार्रवाई करने के बाद एसडीएम ने नोटिस वापस ले ली थी, लेकिन संत समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की है। मठ मंदिरों के जो अभी नोटिस जारी हुआ था 19 तारीख को एसडीएम तत्कालीन एसडीएम के द्वारा, उस संबंध में संत सर्व संत समाज द्वारा जिला छतरपुर पुजारी संत के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम। क्या है, दो महीने से हम देख रहे हैं कि तत्कालीन एसडीएम जो है उनका भेदपूर्ण रवैया है सत्य सनातन धर्म के प्रति, मठ मंदिरों के प्रति। इसी संबंध में उनका एक ये भी संज्ञान में आया था, लिखित नोटिस इन्होंने 19 तारीख को जारी किया, जबकि बाद में इसको अनन फनन में तत्काल इसको निरस्त भी किया गया, और उसमें निरस्त में ये लिखा कि पंचनामा आरआई द्वारा पंचनामा तैयार किया गया कि कोई असुविधा नहीं है। परंतु मीडिया के माध्यम से मुझे वाइट लेने गए हैं भैया, तो उसमें मालूम चला कि उनने कहा कि मुझे मौखिक रूप से शिकायत की गई थी। मौखिक रूप से कोई शिकायत मान्य नहीं होते, कानून बना, कानून सबूत मांगता है, आज हमने सबूत के तहत ये दिया ना। तो जब किसी ने लिखित इनके पास कोई शिकायत नहीं की, मौखिक किसको मान लें आप, समाज में किसको आप कहेंगे, कानून तो सबूत मांगता है ना। सोची समझे साजिश है, और इस प्रकार से मुझे लगता है सत्य सनातन धर्म प्रति ये प्रशासन के द्वारा और खास करके एसडीएम के द्वारा, मैं तो ये बोलूंगा तत्कालीन एसडीएम के द्वारा, इस प्रकार से धार्मिक उन्माद पैदा होगा और सामाजिक जो समरसता है इसके तहत अगर ये भड़क गया तो समझ लिए मणिपुर में, आपने सुना होगा मणिपुर में कैसी हिंसा भड़की है। यदि हमने कहा कि हम मंदिरों के माइक उतार रहे हैं, ये मस्जिदों के उतारे, तो संप्रदाय ये दंगा फैलेगा नहीं फैलेगा, इसमें हमारा प्रदेश हमारा जिला नुकसान किसका होगा, एक व्यक्ति के कारण एसडीएम के कारण पूरा प्रदेश जलने लगेगा मणिपुर की तरह। तो हम इसीलिए हम मांग करते हैं कि इसकी उचित जांच की जाए प्रशासन के द्वारा, और अगर इनमें एसडीएम साहब को गलत पाया जाता है तो इन्हें निलंबित किया जाए। आज सर सर्व संत समाज जिला छतरपुर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम से द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा हिंदू मठ मंदिरों के प्रति किए जा रहे भेदभाव पूर्ण बर्ताव के संबंध में कार्यवाही किए जाने के विषय में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।